हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आज करेंगे क्लास प्लस वन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ मेजर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, मेजर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन सी होती हैं क्लास प्लस वन का फर्स्ट चैप्टर का बच्चे लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद सम डेफिनेशन आएंगी। ठीक है, तो व्हाट आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो मेजर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो इससे पहले हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने सिंपल से डेफिनेशन की थी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए टोटल कितनी मेजर कैटेगरीज है, 7 1 2 3 4 5 6 7 किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो बच्चे ये 7 कैटेगरीज होंगी। 7 कैटेगरीज को आप बच्चे ऐसे ही सीरियल ऑर्डर में आपने लर्न करना है। ठीक है, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा करना है, पहले भी मैंने बताया था, लेकिन आपको इसको लर्न करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ये तो आपको सभी के सभी बच्चे लाइन याद कर सकते ना, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो अब देखो, कीप पॉट्स क्लीन, आप फर्स्ट लेटर याद करना, के पी सी ओ एफ जी एस। अब देखो, कीप में के आ गया किंगडम से स्टार्ट, पॉट्स में पी आ गया फाइलम से स्टार्ट, क्लीन से सी आ गया क्लास, और से क्या आ गया ऑर्डर, फैमिली में सेम फैमिली, गेट्स में से फर्स्ट लेटर जी जीनस, तो सिक में से फर्स्ट लेटर स्पीशीज। तो इसको सीरियल ऑर्डर में लर्न करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ये वाली लाइन लर्न कर लेना बच्चे, की पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, तो इसको आप इजिली लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो बच्चे किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को हम अगर एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम ऐसी क्लासिफिकेशन देंगे, ये नहीं कि उस प्लांट का ये वाला नेम है, लेकिन हम देखेंगे वो वाला प्लांट, उस प्लांट का किंगडम क्या है, उसका फाइलम क्या है, उस वो कौन से क्लास में आता है, कौन से ऑर्डर में आता है, उसकी फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीशीज क्या है, ये सभी देखेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम करेंगे ऑब्लिगेट कैटेगरीज में, सबसे पहले हम स्पीशीज को एक्सप्लेन करेंगे, मीन्स हम ऐसे ही जाएंगे, सबसे पहले स्पीशीज को एक्सप्लेन करेंगे, जीनस को, फैमिली को, तो नेक्स्ट इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे स्पीशीज। नाउ व्हाट इज स्पीशीज, तो बच्चे ये स्पीशीज है, सबसे नीचे वाली स्पीशीज है ना, तभी लिखा है लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सबसे लोएस्ट छोटे वाली जो है, दैट इज कॉल्ड ए स्पीशीज। नाउ व्हाट इज स्पीशीज, अ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो बच्चे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, इन मीन सेम, सेम ऑर्गेनिजम्स में ब्रीडिंग का होना। ठीक है, जैसे डॉग है, डॉग में आपस में रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है, ब्रीडिंग होती है, वो वाली। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में ब्रीडिंग नहीं होती, सेम स्पीशीज में ब्रीडिंग होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग। तो बच्चे याद रखना, इन ब्रीडिंग मीन्स सेम स्पीशीज में ब्रीडिंग होना, और आउट ब्रीडिंग मीन्स डिफरेंट स्पीशीज में ब्रीडिंग होना। तो यहाँ पर स्पीशीज क्या है, एक ही जाति के ऑर्गेनिजम्स में उनमें ब्रीडिंग का होना। सो अ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर सच ग्रुप, दैट इज रोजा इंडिका। तो स्पीशीज जो है, जैसे रोजा इंडिका की एग्जांपल ले ली, ठीक है, गुलाब का फूल है, उसे हिंदी में गुलाब बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, लेकिन उसका जो बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो कौन है, रोजा इंडिका। रोजा क्या होगा जेनरिक नेम, इंडिका क्या होगी स्पेसिफिक नेम। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज है वो डिफरेंट होती है, ये नहीं कि सभी के सभी फ्लावर की जो स्पीशीज होगी वो सेम होगी, वो नहीं, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसलिए लिखा है कि स्पीशीज उस किस ग्रुप के कैटेगरी को बिलोंग करती है जिसमें इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन, सेम ही तरह की पॉपुलेशन हो जिसमें इन ब्रीडिंग हो आपस में, तो वो बाकी जितने भी ग्रुप्स होंगे उससे आइसोलेट करेगी, आइसोलेट मीन्स डिफरेंट होगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास जीनस। अब जीनस कहाँ से लिया, यहाँ से, स्पीशीज के बाद क्या आएगा, जीनस आएगा। नाउ व्हाट इज जीनस, अब देखो, इट कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। तो जीनस में, अब देखो, सबसे पहले क्या हमने स्पीशीज, फिर क्या किया जीनस, तो जीनस में क्या आएंगी, स्पीशीज आएंगी, तभी लिखे ना कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, के जीनस में क्या आएंगे, सभी के सभी स्पीशीज का ग्रुप आएगा, विच हैज मोर करेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज। तो इसमें क्या होएगा कि
इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स होंगे स्पीशीज के वो बाकी स्पीशीज से डिफरेंट होंगे, लेकिन इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स होंगे वो कॉमन होंगे. लिखा है इट कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कॉमन करैक्टर्स इन कंपैरिजन टू अदर स्पीशीज. इस स्पीशीज में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में जो करैक्टरिस्टिक्स होंगे उसके जो करैक्टर्स होंगे फीचर्स होंगे वो ज़्यादा कॉमन होंगे. जैसे हम एग्जांपल लेंगे, दो दो प्लांट्स हैं हमारे पास जैसे पोटैटो एंड टोमेटो. पोटैटो का नेम बोटानिकल नेम क्या है? सोलिनम ट्यूबरोसम. एंड टोमेटो का नेम क्या है? सोलिनम लाइकोपर्सिकॉन. अब देखो जीनस, जीनस मीन्स दोनों का, पोटैटो टोमेटो मीन्स आलू और टमाटर का दोनों का जीनस क्या होएगा? सेम. इसका भी सोलिनम, इसका भी सोलिनम, लेकिन जो स्पीशीज है वो क्या है? डिफरेंट है. ठीक है, पोटैटो की जो स्पीशीज है जाति क्या है? ट्यूबरोसम. और टमाटो की जो स्पीशीज वो क्या है? लाइकोपर्सिकॉन. तो हो गया ना, जीनस मीन्स जीनस में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे ये वाला जीनस हो गया, ये वाला जीनस हो गया. तो इन दोनों के सेम नेम क्यों रखे? पोटैटो और टोमेटो का जो जेनस नेम है, जेनरिक नेम है, वो सेम क्यों है? बिकॉज दोनों के जो करैक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन है, इसलिए इन दोनों का नेम सेम जीनस रख दिया. तो हमारे पास नेक्स्ट है फैमिली. तो फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. तो उससे पहले हमने क्या किया? जीनस. तो डेफिनेटली इस फैमिली में क्या आएगा? जीनस आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जेनरा आएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास. तो जैसे यहाँ पर कौन सा है? जीनस पैंथेरा कंप्राइजेस लायन टाइगर एंड लियोपॉड. ठीक है, तो जीनस क्या है? एक पैंथेरा. ठीक है, पैंथेरा इज अ जीनस. इस पैंथेरा जीनस में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? बहुत सारे, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ते लियोपॉड हो गया. तो उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर. ऑर्डर क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज. ठीक है, तो ऑर्डर में क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज आएंगे. मीन्स एक ऑर्डर होएगा. जैसे हमारे पास एक ऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमोनियल्स. तो पॉलीमोनियल्स में एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में कितनी सारी फैमिलीज आ सकती हैं? जैसे अलग अलग प्लांट की, जैसे कॉनवोलेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया. ठीक है, तो दो जो फैमिलीज हैं एक ऑर्डर में आ रही हैं, तो ऑर्डर में क्या आएगा? फैमिलीज की बात करेंगे. तो क्लास में किसकी बात करेंगे? ऑर्डर की बात करेंगे. मींस एक क्लास होगी, उसके अंदर कितने सारे ऑर्डर आएंगे? जैसे अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर. ऑर्डर जैसे दो ऑर्डर ले लेंगे, जैसे ऑर्डर हो गया प्राइमेटा. ठीक है, दैट कंप्राइजेज द मंकी गोरिल्ला एंड जिबन इज प्लेस्ड इन द क्लास मेमेलिया. हमारे पास एक क्लास है, दैट इज मेमेलिया. मेमेलिया नाम की हमारे पास एक क्लास है. उस एक क्लास में डिफरेंट ऑर्डर आ सकते हैं, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें मंकीज भी आ सकते हैं, गोरिल्ला एंड जिबन. तो नेक्स्ट वन है हमारे पास फाइलम. तो व्हाट इज फाइलम? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल क्लासेस. तो हमारे फाइलम में क्या आएगा? इस फाइलम में सॉरी क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आएंगी. ठीक है, तो कैसे? अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल क्लासेस. क्लासेस कंप्राइजेस एनिमेलिया. तो एक क्लास है, क्लास कौन सी? जैसे एनिमेलिया. एनिमेलिया मीन्स एनिमल. एनिमल्स में जैसे एनिमेलिया में क्या आएंगे? फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद द मैमल्स. इन सभी चीज़ों को हम एक फाइलम में रखेंगे. जो हायर कैटेगरी है, हायर कैटेगरी इज कॉल्ड एज फाइलम. उस फाइलम में डिफरेंट डिफरेंट क्या आएंगे? क्लासेस आएंगी. कौन सी? ये वाली फिश. जैसे हमारे पास एनिमेलिया में फिश आ गई, एम्फीबियंस आ गए. एम्फीबियंस सभी बच्चों को पता है ना, वो वाले एनिमल्स जो वाटर में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं. रेप्टाइल्स मीन जिसमें स्नेक और लिजर्ड्स वगैरह आ जाते हैं. बर्ड्स वगैरह हो गए. मैमल्स मीन्स वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपने बेबीज को दूध वगैरह देते हैं, जिसमें मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क ग्लैंड्स होते हैं. तो ये सारे के सारे जो फाइल एक ही फाइलम में आएंगे. तो लास्ट है जो हाइएस्ट कैटेगरी को बिलोंग करेगा, दैट इज कॉल्ड एज किंगडम. सो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट फाइला आर असाइन टू हाइएस्ट कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एज अ किंगडम एनिमेलिया इन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स. तो हमारे पास किंगडम क्या होएगा? एनिमेलिया. एनिमेलिया जो सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उस एनिमेलिया में क्या आएंगे? सारे के सारे एनिमल्स आ जाएंगे. तो किंगडम इज एनिमेलिया. एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स आएंगे. तो बच्चे आज हमने क्या किया? मेजर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसमें आपको डेफिनेशन आ सकती है, वन वन मार्क की डेफिनेशन ये आ सकती है. जैसे स्पीशीज हो गया,
ठीक है, जिसमें हमने इनब्रीडिंग पॉपुलेशन की बात की थी, यहाँ पर एग्जाम्पल ली थी रोजा इंडिका की। तो उसके बाद हमने क्या किया था, जीनस, ठीक है, कि जीनस सेम होएगा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, जैसे पोटैटो और टमाटो का जीनस सेम होएगा लेकिन स्पीशीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो फैमिली में हमने क्या किया, जिसमें डिफरेंट जेनरा आएंगे, जैसे पैंथेरा एक जीनस है, उसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड तीनों के तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्डर, हमारे पास एक ऑर्डर है पॉलीमोनियास, उसमें डिफरेंट क्लासेस आएंगी, जैसे कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी, बच्चे याद रखना है आपने, ठीक है, जिसके पीछे ई ए ई ई ए ई ए सी ए ई ए सी ई ए ई आएगा, दैट इज बिलोंग्स टू क्लास। तो इस ऑर्डर पॉलीमोनियास में ये वाली दो क्लासेस आएंगी, ऑर्डर आएंगे, ठीक है, सॉरी क्लासेस। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्लास। तो क्लास क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, मींस ऑर्डर जो है प्राइमेटा उसमें क्या आएगा, मंकी, गोरिल्ला एंड जिबन, जो किस क्लास में आएंगे, मेमेलिया। तो मेमेलिया क्लास में ये वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो नेक्स्ट वन है सेकंड जो हाईएस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज फाइलम। तो इस फाइलम में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स आएंगे, जैसे ये वाले आ गए, ठीक है। तो सबसे जो बड़े वाली जो है, दैट इज कॉल्ड एज किंगडम। किंगडम मीन्स एनिमेलिया, एनिमेलिया में इनमें क्या आएगा, एनिमल्स आएंगे। तो बच्चे हमने आज क्या किया, 7 मेजर कैटेगरीज की ये वाली, जिसमें हमने हर एक डेफिनेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। तो आपको बच्चे सारा का सारा नहीं आएगा, 1-1 मार्क के डेफिनेशंस आएंगे। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, थैंक यू।